नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मच और मैनी का यूज़। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मच और मैनी का यूज़ हम कैसे करें। तो ये आपका आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद आपको जीवन में पूरी ज़िंदगी में कभी भी जो है दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ना तो कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं एक एक करके सभी कुछ सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मच का यूज़ हम कहाँ करेंगे और मैनी का कहाँ करेंगे। तो मच का यूज़ सबसे पहला हम करते हैं परिमाण या क्वांटिटी के लिए, यानी क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए हम जो है मच का यूज़ करते हैं, और दूसरा मैनी का यूज़ करेंगे संख्या नंबर बताने के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि परिमाण यानी क्वांटिटी बताने के लिए हम मच का यूज़ करते हैं और मैनी का यूज़ करते हैं नंबर बताने के लिए। और उसके बाद इसका यूज़ हम करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसका मच का। उसी प्रकार हम मैनी का भी यूज़ करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे मेरे पास ज़्यादा धैर्य नहीं है। यहाँ धैर्य क्या है, ये तुम्हारा जो है मात्रा है, यानी मात्रा ये जो है स्टैक नाउन है पैसेंस। तो ये हमारा, इसके पहले हम मच का यूज़ करेंगे, जैसे आई हैवंट मच पैसेंस, मतलब मेरे पास ज़्यादा धैर्य नहीं है। यहाँ पर मच का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ जो नाउन था वो पैसेंस था, मतलब अवस्टैक नाउन था। और यहाँ पर देखिए एक सैंपल है, उसके पास ज़्यादा कारें नहीं है। अब यहाँ पर कारें हैं, कारें आपका जो है काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर बताया जा रहा है, इसलिए मैनी का यूज़ किए हैं। ही हैजंट मैनी कार्स, उसके पास ज़्यादा कारें नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लिए कि जो है नंबर बताने के लिए मैनी का यूज़ करेंगे और क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए हम मच का यूज़ करेंगे। उसके बाद नोट, इम्पोर्टेंट रूल है ये, आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। नोट, अफर्मेटिव वाक्य में मच का यूज ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। उसी प्रकार नोट यहाँ भी है, अफर्मेटिव वाक्यों में मैनी का यूज ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। तो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ हम मच मैनी का यूज़ नहीं करते हैं। तो कैसे नहीं करते, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल है, मैंने बहुत सारी चीनी खरीदी, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई बॉट मच शुगर। यहाँ पर जो है मच ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। उसी प्रकार इसमें देखिए, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, आई नो मैनी पर्सन्स। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सही होगा, लेकिन वास्तव में ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है, गलत है। ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, मैंने बहुत सारी चीनी खरीदी, आई बॉट मच शुगर, ये भी कहना गलत है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, आई नो मैनी पर्सन्स, ये भी गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना, यहाँ पर नियम था अफर्मेटिव वाक्यों में मच का यूज ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और ऑब्जेक्ट के पहले हम मच का यूज किए हैं, ऑब्जेक्ट के पहले मैनी का यूज किए हैं, जो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये मच और मैनी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है कि जो है इनकी जगह पर दिया है, मच मैनी की जगह निम्न फ्रेज का यूज करना चाहिए, निम्न फ्रेजों का यूज करना चाहिए। फ्रेज जैसे हैं, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ईटीसी, मतलब और भी इस प्रकार की फ्रेजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसों में जो है मच मायने का यूज ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता। अब आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया है। अब मैं बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट के पहले हम मच मायने का यूज कर सकते हैं विशेष सिचुएशन में, वहां पर मैं कुछ नियम आपको सिखाता हूँ। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया है। अब चलते हैं जो है कुछ और जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मच मैनी के साथ एज, हाउ, टू का प्रयोग करने पर इनका प्रयोग सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। तो जब भी सेंटेंस में ऐसा आ जाए एज, हाउ, टू, तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले भी मच मैनी का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सी हैज टू मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टू शब्द आया, इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले हम मैनी का यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल है, यू कैन परचेज एज मैनी बुक्स एज यू लाइक, तो यहाँ पर भी जो है एज का यूज हुआ है,
यहाँ पर एज का यूज हुआ है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट के साथ भी मैंने का यूज किए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस है जैसे आई डोंट नो हाउ मच शुगर इज नीडेड, तो यहाँ पर भी देखिए हाउ आया है, तो हाउ आया है इसलिए मच का यूज शुगर के पहले किए हैं, जो बिल्कुल सही है। तो ये सब सेंटेंस हमारे सही होंगे क्योंकि इन सेंटेंसों में एज हाउ टू का यूज किया गया है। इनके अलावा यदि कुछ और आता है तो वो सेंटेंस गलत होगा यदि अफर्मेटिव है, यदि नेगेटिव है तो फिर सही होगा। नेगेटिव में हम करते हैं यूज ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के पहले, लेकिन जो है अफर्मेटिव में नहीं करते जब तक एज हाउ टू नहीं आते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कोई रूल नहीं होते मच मायने से, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं जितने भी इम्पोर्टेंट रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ाता रहूँगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।